नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने बहुत से जगहों में देखा होगा कि जहाँ पर नदी के किनारे जो है वो खेती की जाती होगी, नदी के साइड साइड में पूरी खेती की जाती है। लेकिन नदी के बीचों बीच यहाँ पर आप लोगों को हम आज खेती दिखाने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन निकल कर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा, आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरा रेती है, आप देख सकते हैं पूरा रेत ही रेत है, फिर भी इसमें खेती संभव हो रहा है। यदि आप जो है किसी काम को लेकर के संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलता आप लोगों को जरूर ही मिलती है। और यहाँ पर किसान भाई ने सफल करके दिखाया है। यहाँ पर 15 से 20 किसान हैं आप पूरे लाइन से देखेंगे, जो कि यहाँ पर तरबूज की खेती, खरबूज की खेती, खीरा, ककड़ी, इस तरह से इसकी खेती कर रहे हैं और काफ़ी सफल हैं इस खेती को लेकर के। अभी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को भी मिल रहा है, अभी हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे भी। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और पौधा जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावरिंग, देखिए किस तरह से यहाँ पर फ्लावरिंग आई हुई चुकी है। बीमारियाँ भी कुछ कुछ आती हैं, उसके बारे में भी अभी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फेंसिंग भी किया गया है, तो इस तरह से अपने पूरे बाड़े को घेर लिया गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर खेती की जा रही है, तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो अभी हम फार्मर से मिलते हुए बात करते हैं, अपने नाम और ये जगह जो है उसके बारे में बताएंगे। नदी है जी, गांव है, एरिया दुर्गा साहू नाम है जी। रहने वाला हूं। और अभी जैसे कि इसके बारे में बात करें, अभी तो बरसात में यहां पर पूरी पानी भरी रहती होगी। हाँ, बरसात में पानी रहते तो नहीं लगे ना, बारी बारी है। तो इसका बारी का शुरुआत कब करते हैं आप, उसके बारे में बताइए। समझ रहे हैं, मैं होते दिसंबर में, दिसंबर में शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें जो है उस समय कितना पानी रहता है, नमी कितना रहता है इसमें? नमी यानी हल्का सा रखे तो हाँ, उसको यानी बराबर करते हैं ना, बराबर करते हैं इसको। हाँ, यदि यानी चालते हैं इसको मिट्टी को, यानी रेती को। उसके बाद फिर इसमें बीज लगाते हैं कि रोपा पौधे लगा लगाते हैं इसमें? यानी बीज, बीज लगाते हैं। तो बीज इस रेती में ही लग जाता है ऐसे? रेत, हाँ रेत में, उसमें ना हल्का से गोबर खातू डालना पड़ता है। अच्छा, गोबर खाद डालते हैं और कुछ डालते होंगे साथ में उसके, उसके बारे में बताएंगे। वो यानी डीएपी, डीएपी डालते हैं। हाँ हाँ, हल्का से। और अभी इसमें बीच में कोई खाद दे रहे हो? इसमें यानी गोबर खाते हैं जी, ये यहाँ पे अभी देखेंगे हम, ये गोबर खाद ही है। हाँ हाँ, उसको आजू बाजू यानी पेड़ के जी, उसके बाद फिर उसमें ये सब खाद डाल करके दबा देते हैं। हाँ हाँ, फिर तो उस टाइम तो रेत से ही दबाते होंगे। हाँ हाँ, रेती बस तो है ना, रेत है पूरा। उसके बाद फिर इसमें आगे बात करें, पौधा जैसे बड़ा होते जाता है तो पानी कब कब देते हैं, या फिर पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं? इसमें यानी पानी की आवश्यकता नहीं है, इसमें यानी क्या यानी इसमें यानी करेंगे पलाएंगे जी, क्योंकि इसमें तो नीचे नमी ही तो जड़ अपना ढूंढते हैं, तो वो अंदर आता है ना जड़, वो पूरा ढूंढते हुए चला जाता है। और इसमें जैसे कि आपको खरपतवार तो आता ही नहीं इसमें जो है ना, और बीमारियाँ कौन कौन सी देखने को मिलती है अभी जैसे इसमें? इसमें तो ये है, वो इल्ली है, कीड़ा है, बीमारियाँ कुछ कुछ आती हैं। हाँ हाँ हाँ। और इसमें जैसे अभी बात करें, कौन कौन सी फसल आपने लगा कर रखी है इसमें? इसमें खीरा है और ये है बरबट्टी जी। तो अभी आगे इसकी जो फसल है कब तक लेंगे, कौन कौन सी मतलब खेती और करेंगे इसमें? इसमें बस, इसमें बस ये लास्ट है जी, ये जो अभी वो 3-4 महीना रहेगा, उसके बाद यानी खत्म हो जाएगा। उस टाइम धूप भी काफी तेज हो जाएगा, तो रेत भी गर्म होगी जी। इसमें एक बार बस लगता है, उसके बाद लगता ही नहीं है। साथियों, इसका उत्पादन दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर 2 से 3 दिन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। और ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर निकल के आ रही है खीरे की। इसके अलावा उन्होंने जो है ककड़ी लगाया हुआ है और तरबूज और खरबूज भी लगाया हुआ है। इसमें सबसे पहले साथियों, इनकी जो खेती की शुरुआत होती है वो लगभग जो है जैसे बरसात में पानी यहाँ पर कम होते हुए चला जाता है, दिवाली के बाद जैसे नवंबर दिसंबर में ही इनकी खेती की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, इस पूरा ज़मीन को जो है बराबर कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं, उसमें बीज डाल लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि आपके पौधे जो है वो 15 सेंटीमीटर के हाइट में आ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं उसमें बेसल डोज डालते हैं, गोबर, डीएपी, यूरिया, ये सब डाल करके उसको रेत से धीरे से दबा देते हैं। उसके बाद फिर साथियों, इसमें सबसे खास बात ये निकल कर आती है, इसमें पानी देने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही पौधा बड़ा होता जाता है उस वो जो है नीचे वाटर सोर्स को ढूंढते ढूंढते अपना जड़ नीचे चले जाता है। और अभी भी इसमें नीचे नमी बची हुई है, पानी जो है रेत है रोक के रखा हुआ है नमी को, तो उस तरह से वो नीचे ढूंढते हुए चला जाता है, तो इनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाता है, ज़रूरत के हिसाब से जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर खाद भी वो देते हुए चलते हैं, तो इस तरह से वो बीच बीच में जो है यूरिया, डीएपी और गोबर की खाद जो है वह साइड साइड में देते हुए जाते हैं। जिसके ये तो पूरा रेत ही है, आप यहाँ पर पूरा देखेंगे ये जो है पूरा रेत है, तो इस रेत होने की वजह से इसमें किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और
जो है इसमें उर्वरक खाद नहीं है, तो उसको पूर्ति करने के लिए वो धीरे धीरे जो है आगे समय में 15-15 दिन में, हफ्ते दिन में जो है वह खाद देते हुए चलते हैं। तो इस तरह से इनकी खेती काफ़ी बेहतरीन होती है और ये पूरे रेतीली ज़मीन पर जो है वह पूरा प्योर रेती जो होता है उसमें काफ़ी बेहतरीन खेती करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसमें एक खास बात और ये आती है कि ये पूरा रेतीला है तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के खरपतवार देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर इनको कुछ कुछ बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने आया तो यहाँ पर हमको जो है लीफ माइटर देखने को मिला। उसके बाद फिर दूसरा जैसे कि इसमें फल में जो है फटने की प्रॉब्लम आ रही है, तो छोटे छोटे में हो सकता है तेज़ धूप की वजह से हो या फिर जैसे कैल्शियम जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। तो साथियों इस तरह आप लोगों ने देखा काफ़ी बेहतरीन खेती यहाँ पर की जा रही है और इससे जो है 15 से 20 किसान जो कि अपना 4 से 5 महीना आराम से इसमें खेती करते हैं और जो है महानदी हमारी माँ है वो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें प्रोडक्शन भी दे करके जाती है। रेती से ही सही लेकिन किसान भाई इसमें काफ़ी मेहनत करके काफ़ी संघर्ष करके जो है इस तरह से खेती कर रहे हैं। इनका टेक्निक आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और साथ ही ये जो वीडियो को यदि आप लोगों को अच्छा लगा कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।